नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द हिंदू एडिटोरियल गुरु के सेशन में। लेकिन आज है सैटरडे और सैटरडे को आप सभी की डिमांड पर हम लाते हैं एमसीक्यू सेशन। लेकिन लास्ट एमसीक्यू की बात करें, सैटरडे एमसीक्यू सेशंस की अगर बात करें जो हमने एडिटोरियल पर बेस डिस्कस किए थे, उसमें हमारे साथ इंग्लिश गुरु नहीं थे, लेकिन आज के सेशन में आपके इंग्लिश गुरु आप सभी के साथ होंगे। और इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पिछले वीक में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट रही हैं उस पर आधारित कुछ प्रश्न आप सभी से जरूर पूछेंगे। तो इंग्लिश गुरु आप सभी का आपका भी स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है यहाँ पर। इंग्लिश गुरु आप कुछ कहना चाहेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे भी काफी ज्यादा वेट था इस पर्टिकुलर सेशन का, क्योंकि ये जो है मैं हमेशा देख तो रहा ही था। और ये सेशन मैंने पहले भी कहा था कि ये सेशन मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि पूरे वीक का जो पूरा का पूरा जो न्यूज है, ठीक है, अगर हम जनरली जीए पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे वीक का जो न्यूज है पूरा एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने लाया जा रहा है। और ये काफी बिल्कुल इन्फोटेनमेंट, जैसा कि मैं अभी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप ही कर रहा था, ये बिल्कुल एडुटेनमेंट है ये आपका, ठीक है, एडुटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब ये एडुटेनमेंट है, मतलब एंटरटेनमेंट प्लस आपका एजुकेशन। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, कहीं छोड़ करके जाइएगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं सर, और बहुत सारे एमसीक्यू हैं तो समय भी हमारे लिए काफी ज्यादा होना चाहिए। पहले एडिटोरियल की बात करते हैं सर। इस वीक के पिछले वीक की शुरुआत में हमने एक पर्टिकुलर आर्टिकल डिस्कस किया था, इसका नाम था अवॉइडेबल क्राइसिस जी। ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो था वो श्रीलंका की जो पॉलिटिक्स है उस पर बेस्ड था। तो चलिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बेस पर कितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप सभी के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, चलिए देखते हैं एक एक करके। स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर दिया जाए ताकि स्टूडेंट आसानी से स्क्रीन के क्वेश्चंस को आसानी से यहाँ पर रीड आउट कर पाए। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ श्रीलंका। स्क्रीन को फुल जूम कर दिया जाए और मुझे उसमें फिट भी कर दिया जाए ताकि आसानी से स्टूडेंट सारे क्वेश्चन और ऑप्शंस को देख सकें। क्वेश्चन आप सभी के सामने है, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का एंशिएंट यानी कि प्राचीन नाम क्या था। ऑप्शंस आप सभी के सामने है, जायरे, पर्शिया, सीलोन, बर्मा या इनमें से कोई नहीं। आंसर करते जाइए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए अगर श्रीलंका की बात हुई थी तो श्रीलंका पर आधारित एमसीक्यू भी आपके सेशन में बनेंगे और ये एक स्टैटिक एमसीक्यू है जो आपके लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है। स्टूडेंट्स के आंसर आना भी शुरू हो चुके हैं, यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए वो सीलोन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। श्रीलंका पर आधारित ही दूसरा प्रश्न है जो आप सभी के सामने है। ये एमसीक्यू मैंने आपसे पहले भी पूछे थे उसी पर्टिकुलर सेशन में, लेकिन एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका की जो प्रशासनिक राजधानी है वह कहाँ है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, कोलंबो है, कैंडी है, कोटी है, श्री जयवर्धनेपुरम कोटी है या इनमें से कोई नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ श्रीलंका, और यह पर्टिकुलर प्रश्न अगर हम सर बात करें तो सीजीएल 2015 का जो एग्जाम हुआ था उसके प्री एग्जाम में पर्टिकुलर प्रश्न आया भी हुआ था कि व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ श्रीलंका। राइट आंसर की बात करें तो श्री जयवर्धनेपुरम कोटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ श्रीलंका। देखिए यहां पर कुछ आसान प्रश्न भी आपको मिलेंगे, 50 प्लस एमसीक्यू क्लास है तो आपको यहाँ पर कुछ आसान भी मिलेंगे, कुछ हार्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। आसान मिले तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चंस को जल्दी से आसानी से आंसर कीजिए, और हार्ड क्वेश्चन मिले और कठिन प्रश्न मिले तो उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कमर्शियल कैपिटल ऑफ श्रीलंका की बात करें, कोलंबो है, कैंडी है, कोटी है, गाले है या जाफना है। स्टूडेंट के आंसर की बात करें, आंसर आते हैं कोलंबो। तो प्रशासनिक राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटी और कमर्शियल कैपिटल कोलंबो हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हेन डिड श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट, यानी कि श्रीलंका को आजादी कब मिली। जिस तरह से सर हमें अंग्रेजों से आजादी मिली थी उसी तरह श्रीलंका को भी अंग्रेजों से आजादी मिली थी। को इंडिपेंडेंट डेट क्या है श्रीलंका की। हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा पड़ोसी देश है, तो जल्दी से बताइए श्रीलंका को आजादी कब मिली। ऑप्शंस आप सभी के सामने है। स्टूडेंट्स की बात करें, आंसर आ रहे हैं, देखिए हमारा एक पर्टिकुलर नेबरिंग कंट्री है और हमें अपने कम से कम हमें अपने नेबरिंग कंट्री के बारे में हर चीज पता होनी चाहिए। हमें अपना इंडिपेंडेंट डे तो पता ही है, लेकिन हमारे जो नेबरिंग कंट्री है उनका इंडिपेंडेंट डे भी पता होना चाहिए। आंसर कीजिए, व्हाट व्हेन डिड श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट, श्रीलंका को आजादी कब मिली। आंसर आ रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर आंसर आ रहे हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑप्शन नंबर वन के साथ जा रहे हैं, यानी कि 4 फरवरी 1948। नेक्स्ट, ये जो पर्टिकुलर प्रश्न है वो आप सभी से इंग्लिश गुरु आपसे पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश के क्विज भी शामिल किए गए हैं जो कि लास्ट टाइम आपके सेशन में शामिल नहीं थे। तो तैयार हो जाइए, इंग्लिश गुरु आपसे पूछेंगे एमसीक्यू जो कि आप सभी के सामने प्रदर्शित हो रहा है। तो बिल्कुल इंग्लिश गुरु को बुला लेते हैं, और यहाँ पर मुझे भी अच्छा लग रहा है कि इंग्लिश गुरु आप सभी से जुड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पटेल शुड बी रिमेम्बर्ड एज वी रिमेम्बर गांधी
फॉर हिज एटीट्यूड लाइफ स्टाइल ऑफ सिंप्लिसिटी एंड हिज डेडिकेशन टू द अफर्म ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, है ना। तो देखिए अब इस टाइप के एरर करेक्शन जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां पूरा एक पूरा का एक सेंटेंस दिया हुआ जाता है और कोई भी फोर वर्ड जो होते हैं वो या तो हाईलाइटेड किए हुए रहते हैं या फिर कैपिटलाइज किए हुए रहते हैं, ठीक है, इन कैपिटल या फिर बोल्ड लेटर्स किए हुए रहते हैं या फिर इटली साइज, ठीक है, अंडरलाइन कुछ भी, मतलब उनको हाईलाइट करके रखा जाता है और आपको कहा जाता है कि आपको एरर फाइंड आउट करना है उनमें से, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि वो चारों वर्ड्स जो भी लिखे हुए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है तो फिर आप वहां पे नंबर 5 ऑल करेक्ट आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका एरर करेक्शन ही है, बिल्कुल आपके आईबीपीएस क्लर्क के लिए बिल्कुल ही अनुरूप है ये, राइट। तो जल्दी से इसका आंसर मुझे दीजिए। पटेल शुड बी रिमेंबर्ड एज वी रिमेंबर गांधी फॉर हिज एटीट्यूड लाइफ स्टाइल ऑफ सिंप्लिसिटी एंड हिज डेडिकेशन टू द अफर्म ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, क्या हो सकता है? ओके, सारे लोग डी कह रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं। सर एक बात तो लेकिन फिक्स हो गया कि मेरे इंग्लिश में तो परफॉर्मेंस अभी बहुत अच्छा जा रहा है, इसलिए क्योंकि देखिए सारे के सारे आंसर जो है वो डी अफर्म ही आ रहे हैं और बच्चों ने आंसर भी दे दिया है कि सर वहां पे अफर्म की जगह पे क्या होगा, अफर्मेशन होगा, है ना। तो अभी स्कोर अगर हम देखें तो इंग्लिश आगे चल रहा है सर, बिल्कुल। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है, पहले सबसे पहले देख लेते हैं। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर वही है, डी जो है इसका राइट आंसर है, बिल्कुल डी राइट आंसर है, सही बोल रहे हैं आपने, ठीक है, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। अफर्म जो होगा वहां पे अफर्मेशन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सारे के सारे वर्ड आप देख सकते हैं, रिमेंबर्ड वो भी नाउन है, एटीट्यूड वो भी नाउन है, सिंप्लिसिटी वो भी नाउन है, तो यहाँ पे अफर्म की जगह क्या हो जाएगा, अफर्मेशन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए सर यहाँ पर नंबरिंग की जगह इंग्लिश का सेशन हमने यहाँ पर 1 रोमन अंक से दर्शाया है, तो आप इसको भी काउंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं जो कि आपके एडिटोरियल पर बेस्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर अगर हम बात करें अफर्म स्टूडेंट्स के आंसर थे वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं, विच स्ट्रेट सेपरेट श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, कौन सी स्ट्रेट सेपरेट करती है श्रीलंका को इंडिया से, आपको स्ट्रेट लाइन की बात करनी है, जलसंधि बतानी है कि कौन सी जलसंधि श्रीलंका और भारत को डिवाइड करती है। तो यहां पर ऑप्शंस की बात करें आप सभी के सामने है, डेविस स्ट्रेट, जोहोर स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट या नन ऑफ दीज। आपको बताना कि श्रीलंका और भारत के बीच में जो जलसंधि है, जो भारत और श्रीलंका की जो जल है या वाटर जो बॉडी है उसको सेपरेट करती है या जल सीमा बनाती है, उसका नाम क्या होगा। बहुत ही आसान सा आंसर है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं होना चाहिए, श्रीलंका और इंडिया के परिप्रेक्ष्य में यहां पर एमसीक्यू पूछा जा रहा है। राइट आंसर की बात करें पाक स्ट्रेट या पाक जलसंधि इसको बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, आपने अभी करंट अफेयर्स का सेशन भी देखा होगा हमारे जीए गुरु का, तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए। मुझे नहीं लगता यहां पर कोई भी कठिनाई किसी भी स्टूडेंट को आनी चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर आना शुरू भी हो चुके हैं। रुपी इज द राइट आंसर, श्रीलंका की बात करें तो रुपया वहां की भी करेंसी हो जाएगी। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं जो आप सभी के लिए ये रहा। इन श्रीलंका लेजिस्लेचर हाउस इज कॉल्ड, यानी कि श्रीलंका का जो लेजिस्लेचर हाउस है उसे क्या कहा जाता है। श्रीलंका में जो वहां का पार्लियामेंट है, वहां की संसद है, वहां की विधानसभा है, जिस तरह से लोकसभा राज्यसभा भारत में है और वो सभी बैठते हैं भारत की संसद में पार्लियामेंट में, तो उसी तरह से ये बताइए कि जो लेजिस्लेचर हाउस है श्रीलंका का उसे क्या कहा जाता है। सीनेट, पार्लियामेंट, कांग्रेस, नेशनल असेंबली या इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया था दोस्तों वो वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन पर ही बेस्ड था, वहां की पार्लियामेंट से ही जुड़ा हुआ था, क्योंकि महेंद्र राजपक्षे साहब को नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था और मैत्रीपाला सिरिसेना साहब जो वहां के राष्ट्रपति हैं उन्होंने राहिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया था। तो कहीं ना कहीं वहां की संसद, वहां की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, ये नाम आपके लिए जानना जरूरी होगा। ऑप्शन नंबर 2 के साथ मैं बताऊं तो पार्लियामेंट ही वहां की जो लेजिस्लेचर हाउस है उसे कहा जाता है, ना कि सीनेट, ना कि कांग्रेस, ना कि नेशनल असेंबली। तो हमारे देश की तरह वहां की संसद को भी संसद ही कहा जाता है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका की आधिकारिक भाषा क्या है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। श्रीलंका की स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के सामने ऑप्शन है, आपको बताना होगा कि श्रीलंका की आधिकारिक भाषा क्या होगी। जल्दी से आंसर करते जाइए, इतना समय नहीं होगा। द्रविड़ियन मराठी, सिन्हाला तेलुगु, द्रविड़ियन तमिल, सिन्हाला इंग्लिश या सिन्हाला तमिल, आपको बताना है कि सिन्हाला भाषा होगी इंग्लिश के लिए होगी, द्रविड़ियन तमिल होगी, मराठी होगी, तेलुगु होगी। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका की बात करें तो सिन्हाला तमिल इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। तो याद रखिएगा, पड़ोसी मुल्क है, ऑफिशियल लैंग्वेज याद रखिएगा, बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो महेंद्र राजपक्षे साहब की बात हुई थी हमारे एडिटोरियल सेशन में, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है,
कि मैं जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री है वो किस राजनैतिक पार्टी से, किस राजनैतिक पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बीजेपी से संबंधित है, राहुल गांधी कांग्रेस से संबंधित है, तो बताइए कि वहां के नए प्राइम मिनिस्टर किस पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है, क्योंकि इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम आपके एडिटोरियल सेशन में आया था। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, यूनाइटेड पीपल्स फ्रीडम अलायंस, श्रीलंका फ्रीडम पार्टी, यूनाइटेड नेशनल पार्टी, बोथ वन एंड टू या नन ऑफ दी। आंसर आ चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आंसर करते भी जा रहे हैं। राइट आंसर की बात करें, श्रीलंका फ्रीडम पार्टी। जिनको आंसर ना मालूम हो वो यहां पर आंसर को करेक्ट कर ले कि श्रीलंका फ्रीडम पार्टी इज दी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ महिंद्रा राजपक्षे। और एक और प्रश्न आप सभी के सामने है कि महिंद्रा राजपक्षे न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका वॉज दी डेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका फ्रॉम नवंबर 19 2005 टू जनवरी 9 2015। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि महिंदा राजपक्षे पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो प्रश्न ये है कि वह श्रीलंका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। 4, 5, 6, 7 प्रधानमंत्री तो अब बने हैं, लेकिन इससे पहले जब वो प्रधान राष्ट्रपति चुने गए थे तो वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति चुने गए थे। आंसर दीजिए जल्दी से। बहुत सारे स्टूडेंट, शिखा मिश्रा आंसर कर रही है, ओके, जीत कौर आंसर कर रहे हैं, सुरभि गुप्ता आंसर कर रही है श्रीलंका, जल्दी से बताइए। 7th नंबर निशा शर्मा का आंसर आया है। चलिए राइट आंसर की बात कर लेते हैं, वो 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे श्रीलंका में इस तारीख से लेकर इस तारीख के बीच में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, फिर से आप सभी के लिए एमसीक्यू रहेगा इंग्लिश से, ओवर टू इंग्लिश। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, है ना, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो विटल एक वर्ड है, ये मैंने शायद कल ही बताया था, तो जल्दी से इसका सिनोनिम बता दीजिए क्या हो सकता है। ए फॉल्सिफाई, बी ट्रिम, सी मैग्निफाई, डी वियर्ड या फिर ई सॉलिडिफाई। जल्दी से बताइए इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, विटल का सिनोनिम। ओके कम ऑन जल्दी से, अभी बच्चे लास्ट क्वेश्चन का ही आंसर दे रहे हैं, जल्दी 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 करो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जल्दी। ओके नंबर 3 मैग्निफाई, कुछ लोग कह रहे हैं मैग्निफाई, ट्रिम, ओके ट्रिम कह रहे हैं कुछ लोग, मैग्निफाई कुछ लोग ट्रिम कह रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए ट्रिम ट्रिम। सर देखिए अभी तक मेरे इंग्लिश का स्कोर लेकिन आगे जा रहा है सर, बिल्कुल अभी भी बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, ट्रिमिंग। हाँ बिल्कुल सर, अब राइट आंसर इसका जरूर बताइए क्या हो सकता है। बिल्कुल सही, राइट आंसर मतलब होता है ट्रिमिंग। अगर कोई भी चीज आप काट रहे हैं, कुछ बनाने के लिए काट रहे हैं, ठीक है, उसे हम लोग बोल सकते हैं विटल कर रहे हैं आप, या फिर उसे ट्रिमिंग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले सर एक एडिटोरियल रहेगा जी, इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को भी हमने डिस्कस किया था, फ्यू लाइफलाइंस बिफोर ब्रेक्सिट, और ब्रेक्सिट का जो मुद्दा था, ब्रिटेन जो एग्जिट होने वाला है यूरो जोन से, तो वो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जी। तो इस पर बेस क्या एमसीक्यू आप सभी के इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, चलिए एक एक करके नजर दौड़ाते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू की बात करें, हु इज करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की बात हो रही थी क्योंकि ब्रिटेन को एग्जिट होना है, किससे, यूरो जोन से, तो करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन का नाम आप जल्दी से बता दीजिए कि इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है। थेरेसा मे, डेविड कैमरून, टोनी ब्लेयर, मार्गरेट थैचर या हैरोल्ड मैकमिलन। करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ब्रेग्जिट के सेंस में, जल्दी से आंसर कीजिए। अगर सेशन और सेशन के क्वेश्चंस एमसीक्यू आप सभी को पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फेसबुक की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ फेसबुक के साथ भी जुड़े हुए हैं, करीब करीब 50+ स्टूडेंट्स हमारे साथ फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, तो उन सभी से आग्रह रहेगा एक बार सेशन की लिंक को शेयर कर दीजिएगा अगर एमसीक्यू सेशन पसंद आ रहा हो। बिल्कुल आंसर करते रहिएगा और सीखते रहिएगा। राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 5 थेरेसा मे इज द राइट आंसर। न्यू करंट प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो थेरेसा मे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, वेयर इज द कैपिटल ऑफ यूरोपियन यूनियन। ईयू की बात हुई थी, ईयू, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना चाहता है ब्रिटेन, तो बताइए कि यूरोपियन यूनियन नाम का जो यूनियन है कंट्रीज का, इसकी कैपिटल कहां है, पेरिस, ब्रसेल्स, लंदन, रोम या नन ऑफ दी। फेसबुक से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी आंसर करते जा रहे हैं और आंसर उन्हें करना भी चाहिए। पसंद आ रहा हो सेशन, लाइक बटन पर क्लिक कर सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा हो, मजा आ रहा हो सेशन के साथ साथ, तो एक बार सेशन की लिंक को शेयर करना तो बनता है, तो शेयर भी करते जाइएगा। ऑप्शन नंबर 3 के साथ मैक्सिमम स्टूडेंट्स जा रहे हैं, वेयर इज द कैपिटल ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो राइट आंसर इज ब्रसेल्स। जो ब्रसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, या यू कहें कि इसकी राजधानी है यूरोपियन यूनियन की, इसी पर आधारित नेक्स्ट एमसीक्यू भी आप सभी के लिए रहेगा। टोटल मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन एट प्रेजेंट, इस समय यूरोपियन यूनियन के वर्तमान सदस्यों की संख्या क्या है, क्योंकि ब्रिटेन भी इसका अभी सदस्य है लेकिन वह उसकी सदस्यता को हटाना चाहता है और यूरोपियन यूनियन से बाहर आना चाहता है ब्रिटेन,
तो मुझे अभी ये बताइए कि यूरोपियन यूनियन के करंट में कितने मेंबर कंट्री हैं? 26, 27, 28, 29। फेसबुक से 28 आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 5 यानी कि नन ऑफ दीज भी आ रहे हैं। ब्रसेल्स के साथ हेडक्वार्टर भी बता रहे हैं हमारे लवनीश जी। शत्रुघ्न सिंह आंसर कर रहे हैं, भानु आंसर कर रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं कि यूरोपियन यूनियन के करंट में कितने मेंबर कंट्री हैं। यूट्यूब की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं 28 है, 22 है, 28 के साथ ज्यादातर स्टूडेंट के जो आंसर आ रहे हैं वो 28 आ रहे हैं, तो 28 इज द राइट आंसर। टोटल इस समय 28 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट, द यूरो करेंसी का नाम है यूरो, जो कि यूरोपियन यूनियन में चलती है। द यूरो इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ डैश आउट ऑफ 28 ईयू कंट्रीज ऑफ द ईयू। ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन के 28 मेंबर कंट्रीज में से कितने कंट्रीज में ऑफिशियली यूरो करेंसी का इस्तेमाल होता है? 15, 17, 19, 23 या 28। हम सभी जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन में यूरो करेंसी चलती है, लेकिन 28 मेंबर कंट्रीज में से कितने मेंबर कंट्रीज ऑफिशियली यूरो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं? साउंड की कोई समस्या नहीं है, एक बार पेज को रिफ्रेश कर लिया जाए। कोई समस्या साउंड की तरफ से नहीं है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। सर नाटो का भी 28 ओके, लेकिन मैं यहां पर पूछ रहा हूं यूरोपियन यूनियन, आंसर कीजिए। राइट आंसर की बात करते हैं, कुछ लोग इसको स्किप भी कर रहे हैं, लेकिन मैं बताऊं 19 इज द राइट आंसर। 28 में से 19 कंट्री जो है वो यूरो करेंसी का ऑफिशियली इस्तेमाल करते हैं यूरोपियन यूनियन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। इन विच ईयर, किस वर्ष में यूनाइटेड किंगडम ऑफिशियली एंटर्ड इन यूरोपियन यूनियन, यानी कि ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर यूरोपियन यूनियन में कब शामिल हुआ था? देखिए, शामिल होने की बात इसलिए पूछी गई है क्योंकि हाल ही में ये हटना चाहता है। हम सभी जानते हैं कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना चाहता है, इसलिए इसको वर्ड कहते हैं ब्रेग्जिट, ब्रिटेन एग्जिट। तो एग्जिट तो होना चाहता है और हो सकता है हो भी जाए, लेकिन एंट्री कब हुई थी, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन में शामिल कब हुआ था, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जल्दी से बताइए कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का मेंबर कब बना? 1977 आंसर आ रहे हैं, मोस्टली सुन के 1975 भी आंसर आ रहे हैं, 55th यानी कि 1980 के साथ भी जा रहे हैं, तो कभी कुछ लोग लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर की बात करें 1973 इज द राइट आंसर। तो 1 जनवरी 1973 को ब्रिटेन पार्ट बना था यूरोपियन यूनियन का। तो बिल्कुल इसी बीच में छोटा सा इंग्लिश ब्रेक, इंग्लिश एमसीक्यू आप सभी के लिए। चलिए, बहुत ही अच्छा ये टर्म बहुत ही अच्छा यूज किया सर ने कि एक इंग्लिश ब्रेक आ गया बीच में, बिल्कुल सही है। देखिए, ये फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से इसका भी क्वेश्चन को रीड आउट करिए और जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। इन इंडिया ओवर द रिसेंट डिकेड्स एग्रेरियन डैश डिस्ट्रेस एंड डैश इंक्रीज इन बेटर पेइंग जॉब्स इन अर्बन एरियाज हैव बीन ड्राइवर्स ऑफ इंटरनल माइग्रेशन। जल्दी से मुझे बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है, कमऑन। अच्छा, कमेंट में सब कह रहे हैं कि सर ये तुक्का ही है, बिल्कुल सब कोई तुक्का ही चल रहा है यहाँ पे। ओके, कोई बात नहीं, अगर आप तुक्का भी गेस वर्क भी कर रहे हैं फिर भी आपको आंसर्स अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तो मिल ही जा रहे हैं और साथ ही में उनके आंसर्स भी आपको जरूर मिल रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से अब मैं इंग्लिश के आंसर्स को जो भी उनको तो मैं बताना ही चाहूंगा। ठीक है, जल्दी से इसके आंसर्स को मैं बता देता हूँ। सर इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए, इसका आंसर क्या हो सकता है, नंबर सी इज द राइट आंसर। आप देख ही सकते होंगे यहाँ पे, देखिए एक वर्ड, ये बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन जो एसबीआई में भी दिखा उस तरीके का है कि देखिए ऑलरेडी वहां पे डिस्ट्रेस वहां पे लिखा हुआ और ये फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन, इसका डायरेक्शन कुछ अलग था। ऑलरेडी आपको आंसर वहां पे लिखा हुआ है डिस्ट्रेस एंड इंक्रीज। ठीक है, अब वहां पे आपको ये जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आपको सिनोनिम्स वगैरह फाइंड आउट करने के बाद आपको देखने थे कि उनसे सिनोनिम्स कौन कौन से वर्ड है और वो वहां पर फिट हो सकते हैं। ये है आपका एक्चुअल क्वेश्चन जो आपके एसबीआई पीओ में आया हुआ था। ठीक है, तो याद रखिए ऑलरेडी एक नया टाइप का फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें ऑलरेडी आपको आंसर्स दिए हुए हैं। अब आपको उनसे रिलेटेड जितने भी आंसर्स हैं, या तो सिनोनिम उसका आंसर हो सकता है या फिर उसका आंसर उन वर्ड्स के एंटोनिम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर जो हो गया वो ऑप्शन नंबर सी हो गया, इज द राइट आंसर, डिस्कम्फर्ट एंड सर्च। सर्च का मतलब होता है इंक्रीज। ऑलराइट, चलिए चलिए, तो साथ ही साथ जीए के पर्सपेक्टिव से और साथ साथ इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक थम के साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितने ज्यादा शेयरिंग होगी उतने ज्यादा कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 16, ऑन 23rd जून डैश सिटीजंस ऑफ यूनाइटेड किंगडम यूके वोटेड टू लीव द यूरोपियन यूनियन। हम सभी जानते हैं कि वहां पर एक जनमत संग्रह हुआ था, रेफरेंडम हुआ था, तो 23 जून और वर्ड्स को वहां पर खाली स्थान छोड़ा गया है। किस वर्ष में यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के लोगों ने, नागरिकों ने यूरोपियन यूनियन से बाहर आने के लिए जनमत संग्रह किया था? तो देखिए ब्रेग्जिट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो ब्रेग्जिट के लिए आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ब्रिटेन ने किस तारीख से बाहर होने का डिसीजन लिया था। तो ऑप्शन आपके सामने है 14, 15, 16, 17। राइट आंसर की
की बात करें, सूर्या साहब ने बिल्कुल सही जवाब दिया यहां पर, 2016 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक पर्टिकुलर आर्टिकल है जो हमने डिस्कस किया था, आप सभी को याद होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हु पेज टैक्स एंड हु डजंट। बहुत सारे सर इसमें फिगर्स भी थे जो हमने देखे थे, बहुत सारी चीजें, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स इसमें डिस्कशन हुआ था। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस पर्टिकुलर सेशन से बन सकते हैं, ऑडिटोरियल से बन सकते हैं, वो मैंने रखे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला एमसीक्यू जो आप सभी के लिए रहा। इस पूरे आर्टिकल में एक रिपोर्ट का भी डिस्कशन किया गया था, और वो रिपोर्ट किस प्रकार थी कि अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल The Global Wealth Report 2018 issued by, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में एक वेल्थ रिपोर्ट का डिस्कशन किया गया था कि ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत के कुछ डेटा वहां पर दिया गया था। तो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट इश्यू कौन करता है? क्रेडिट स्विस, HSBC, सिटी ग्रुप इंक और मॉर्गन स्टैनले या लास्ट बैंक ऑफ अमेरिका। आपको बताना है कि द ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2018 इनमें से कौन सा इंटरनेशनल बैंक इश्यू करता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर्टिकुलर आर्टिकल से। राइट आंसर की बात कर लेते हैं, आंसर आ भी चुके हैं, क्रेडिट स्विस। बिल्कुल सही जवाब है कि क्रेडिट स्विस ही ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट जो 2018 की थी उसे उसने इश्यू किया था। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ क्रेडिट स्विस ग्रुप, अ स्विस मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक। आपको बताना है कि जो क्रेडिट स्विस नाम का एक ग्रुप है, जो एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, इस पर्टिकुलर बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो इनमें से किस पर्टिकुलर फेमस सिटी में है? न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका, लंदन, यूके, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, या नन ऑफ दीज। देखिए सर, कितने सारे स्टूडेंट यहाँ पर आंसर करते हुए नजर आ रहे हैं, करीब करीब 700+ स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराधा गुप्ता का आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ है, क्रेडिट स्विस। ओके, नो आइडिया, क्रेडिट स्विस का हेडक्वार्टर, तुक्का मत मारो। हाँ भाई, तुक्का मत मारिए, जो पता है वो आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर 3 के साथ स्टूडेंट जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, एग्जाम के बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टैक्स रिटर्न्स फाइल्ड हैज सर्ज टू 6.85 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2017 and 2018 एंड दिस ग्रोथ सिंस फाइनेंशियल ईयर 2013 and 2014। 2013 से 2014 के बीच में, 2013 से 2014 के साथ 2017-18 के बीच में जो अगर हम बात करें इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग की बात करें, तो लगभग इसका जो दायरा पहुंच चुका है वो बढ़कर हो चुका है 6.85 करोड़ तक टैक्स रिटर्न की फाइल आने लग गई हैं, फाइल होने लग गए हैं। तो कितने परसेंट की ग्रोथ देखी गई है 2013-14 से 2017-18 में टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए, कितनी परसेंट की ग्रोथ देखी गई है? 60%, 70%, 75%, 80% और 90%। ये पूरा जो क्वेश्चन है वो आपका आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आर्टिकल में हमने इस फैक्ट पर डिस्कशन किया था, इस डेटा पर हमने डिस्कशन किया था। जल्दी से बताइए राइट आंसर यहां पर क्या होना चाहिए, कितने परसेंट इंक्रीजमेंट हुआ है? तो राइट आंसर की बात करें, 80% इंक्रीमेंट यहां पर देखने को मिला था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, द एक्सटेंट टैक्स लॉ डजंट रिक्वायर फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स इफ द इनकम इज बिलो द टैक्सेबल थ्रेशोल्ड डेफ। एक्सटेंट टैक्स लॉ का मतलब यहां पर है कि इस समय जो मौजूदा जो कर कानून है, इस समय जो मौजूदा कर व्यवस्था है, उसके तहत कितने अमाउंट तक जो इनकम आपकी है उसके तहत आपको टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होता है। यानी कि आपकी लिमिट क्या होगी उस इनकम की, अगर आपकी इनकम उस लिमिट या उस लिमिट के अंदर है तो आपको टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं करना है मौजूदा कर कानूनों के अनुसार। 2 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख 75 हजार, 3 लाख या 3.5 लाख, यानी कि 3.5 लाख। जल्दी से बताइए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है अगर आपकी इनकम है 2.5 लाख या इससे नीचे। तो राइट आंसर की बात करें, 2.5 लाख अगर आपकी इनकम है या इससे नीचे इनकम है तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट और डेटा है। नेक्स्ट, फिर से आप सभी के लिए एक इंग्लिश ब्रेक और इंग्लिश एमसीक्यू के साथ, इंग्लिश ग्रुप आप सभी के साथ। देखिए, अब बिल्कुल समझाने की जरूरत है नहीं क्योंकि एक एरर करेक्शन आ चुका है। ठीक है, चलिए अब ये एरर करेक्शन इस टॉपिक के ऊपर, जो यूएस प्रेसिडेंट है वो इंडिया नहीं आ रहे हैं 26 जनवरी जो परेड होने वाली है, हमारी जो रिपब्लिक डे की जो परेड होने, उसमें नहीं आ पा रहे, तो उसके ऊपर ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ है। जल्दी सब इसका आंसर दीजिए कि ये क्या हो सकता है इसका आंसर। इट इज नो सरप्राइज दैट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज टर्न डाउन एन इनविटेशन फ्रॉम इंडिया अटेंडिंग नेक्स्ट ईयर रिपब्लिक डे परेड एज द चीफ गेस्ट। अब इसमें कौन सा सेक्शन एरर है, जल्दी से हमें बताइए कौन से सेक्शन में एरर है। नहीं, अभी तक बच्चे लास्ट क्वेश्चन का ही आंसर दे रहे हैं, जल्दी बचाओ बच्चों। बिल्कुल ओके, ए, ये सारे लोग ए, फिर कुछ लोग बी कह रहे हैं, फिर 3 नंबर आ गया, ओके डी नंबर आ गया,
यूएस, ओके द यूएस कुछ लोग कह रहे हैं, द यूएस साकेत जैन, द यूएस कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, गलत। ओके द यूएस प्रेसिडेंट, बिल्कुल नहीं, द यूएस प्रेसिडेंट नहीं होगा, द यूएसए बिल्कुल वो भी नहीं होगा। अब हम चलते हैं, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। सर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, मतलब सी पोर्शन में एरर है। फ्रॉम इंडिया अटेंडिंग नेक्स्ट ईयर्स रिपब्लिक डे जो लिखा हुआ है वो हो जाएगा फ्रॉम इंडिया, इन्विटेशन फ्रॉम इन इंडिया, ठीक है, टू अटेंड नेक्स्ट ईयर रिपब्लिक डे परेड। इसका मतलब कि इंडिया से उन्हें जो नेक्स्ट ईयर का जो रिपब्लिक डे परेड है उसमें उसको अटेंड करने के लिए जो इन्विटेशन मिला था उसको उन्होंने ठुकरा दिया, ठीक है, उन्होंने टर्न डाउन कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर। चलिए तो अगला, अगर हम एडिटोरियल की बात करें तो जी लास्ट टाइम हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया, ये आरबीआई पर बेस्ड आर्टिकल था बिल्कुल, जिसमें भारत सरकार और आरबीआई आमने सामने है, कुछ क्लैशेस हुए थे, हमने इस पर डिस्कशन भी अच्छा खासा किया था। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे एमसीक्यू यहाँ से बन सकते हैं, तो जितने इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो सकते थे वो मैंने यहाँ पर रखने का प्रयास किया। चलिए बढ़ते हैं पहले एमसीक्यू की तरफ। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ करंट डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। आप सभी को मालूम होगा कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हमने डिप्टी गवर्नर्स ऑफ आरबीआई पर डिस्कशन किया था, और आप सभी को मालूम होगा कि आरबीआई में मैक्सिमम फोर ही डिप्टी गवर्नर्स हो सकते हैं। तो करंट में जो डिप्टी गवर्नर्स हैं और जो नहीं है, तो आपको इस लिस्ट को देखकर बताना है कि इनमें से कौन से डिप्टी गवर्नर इस समय करंट डिप्टी गवर्नर नहीं है। श्री एम के जैन, श्री बी पी कानूनगो, डॉक्टर विलल वी आचार्य, श्री एन एस विश्वनाथन या श्री एस एस मुंद्रा, इस समय कौन डिप्टी गवर्नर नहीं है आरबीआई के, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके फेसबुक की बात करें, आंसर आना शुरू भी हो गया। ऑप्शन नंबर सी के साथ शिवम चौधरी जा रहे हैं, ओके बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए के साथ मुन्ना साहब जा रहे हैं, ओके। यूट्यूब की बात करें, एस एस मुंद्रा आंसर आ रहे हैं, एस एस मुंद्रा, एस एस मुंद्रा, और यूट्यूब पर एस एस मुंद्रा की बाढ़ आ चुकी है, बहुत सारे आंसर आना हो चुके हैं, तो बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर फाइव इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आरबीआई पर आधारित एक और प्रश्न आप सभी के सामने, ये रहा कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ लोकल बोर्ड ऑफ आरबीआई लोकेटेड एट, यानी कि आपको याद रखना है कि आरबीआई के जो लोकल बोर्ड्स हैं, लोकल बोर्ड्स हैं, और आप सभी को मालूम है लोकल बोर्ड आरबीआई के चार हैं, तो आपको इस पूरी लिस्ट में से देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा जो लोकल बोर्ड वाली जो लिस्ट है वो सही होगी। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, न्यू दिल्ली, मुंबई, जयपुर, चेन्नई, मैसूर, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, न्यू दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर एंड न्यू दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है लोकल बोर्ड ऑफ आरबीआई के हिसाब से। शिवम चौधरी आंसर कर रहे हैं फेसबुक के माध्यम से ऑप्शन नंबर फाइव, यानी कि नन ऑफ दीज, ओके। YouTube पर बात करें, ऑप्शन नंबर वन के साथ मैक्सिमम कैंडिडेट जा रहे हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। आप सभी बिल्कुल सही हैं, जीए में भी सर स्टूडेंट इतने पीछे नहीं है जितना कि सोचा जा रहा था। स्टूडेंट जितना इंग्लिश में आगे हैं उतना ही स्टूडेंट आगे हैं जीए के पोर्शन में भी। और स्टूडेंट्स आपको ये आर्टिकल भी याद होगा जो हमने यहाँ पर देखा था, द यूनिफायर ऑफ मॉडर्न इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल पर आधारित पूरा आर्टिकल था, बिकॉज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है और एम वेंकैया नायडू साहब ने यह पर्टिकुलर आर्टिकल आपका लिखा था। तो कहीं ना कहीं इस पर आधारित आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल पर आधारित आपके लिए काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी द टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड, इस पर बेस भी आप सभी के लिए प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप सभी के लिए कौन कौन से एमसीक्यू यहां पर है। चलिए आंसर की बात करिए, व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात कर लेते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट क्या है, मुझे प्रदर्शित किया जाए। इंग्लिश गुरु का अभी सेशन भाई बाकी है तो वहां पर उनको लाइएगा, अभी मुझे मत हटाइए भाई, इसमें नाराज हो जाएंगे। व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट की बात की जाए, कितनी ऊंची है ये पर्टिकुलर मूर्ति, 120, 153, 128, 183 या नन ऑफ दीज, जल्दी से आंसर कीजिए। आंसर आ चुके हैं, नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करने के यहाँ पर मैंने राइट आंसर रखा ही नहीं है, बिकॉज इसकी जो हाइट है वो है 182 मीटर, ओके तो 182 मीटर ये सही लेंथ, सही हाइट हो जाएगी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज बिल्ट ऑन विच रिवर। बहुत आसान सा प्रश्न, जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आगे बढ़े। इंग्लिश गुरु आप सभी का वेट कर रहे हैं, माही, नर्मदा, साबरमती, ताप्ती या नन ऑफ दीज। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस रिवर पर लोकेटेड है, किस रिवर पर बिल्ड किया गया है, बनाया गया है, जल्दी से आंसर आ गए हैं यहाँ पर। राइट आंसर की बात करें, नर्मदा, सभी लोग बहुत आसानी से आंसर करें, बिल्कुल तरह से हलवा क्वेश्चन उन सभी के लिए हो गया है, फिर भी अगर किसी को ना मालूम हो तो इसे करेक्ट कर ले। बिल्कुल यहाँ पर शिवम चौधरी आंसर कर रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, शिवम चौधरी जी जल्दी से आंसर करिए, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज बिल्ड ऑन डैश इन नर्मदा रिवर, यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाया गया है वो नर्मदा रिवर के ऊपर किस आइलैंड पर बनाया गया है, साधु आइलैंड, कच्छ आइलैंड, बेट द्वारका आइलैंड, कबीरवाद आइलैंड या नन ऑफ दीज।
अब्दुल्ला जी ऑप्शन नंबर 2 के साथ हैं फेसबुक पर, अमन सिन्हा ऑप्शन नंबर 1 के साथ हैं यूट्यूब पर, ज्योति आंसर कर रहे हैं 2, कृष्णा आंसर कर रहे हैं 3, ज्योति वर्मा फेसबुक पर भी है, ज्योति वर्मा है फेसबुक पर ऑप्शन नंबर 4 के साथ, वहां पर भी वो ये आंसर कर रहे हैं। तो चलिए राइट आंसर की बात कर लेते हैं, क्या आंसर होना चाहिए। साधु आइलैंड जो है नर्मदा रिवर पर, उस पर्टिकुलर आइलैंड पर लोकेटेड है आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट, इंग्लिश गुरु आप सभी के लिए आ चुके हैं, इंग्लिश ब्रेक तो बनता है समय समय पर। बिल्कुल, देखिए अभी इसमें क्वेश्चन को समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। फाइंड द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, इमानेट एक वर्ड है, इसका एंटोनिम आपको बताना है कि कौन सा वर्ड इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, ए कंसील, बी डिस्चार्ज, डी सी एमिट, डी अराइज और ई होगा इवॉल्व। जल्दी से मुझे बताएं कि इसका एंटोनिम जो है वो कौन सा होगा, इमानेट का एंटोनिम कौन सा वर्ड होगा, जल्दी इमानेट का एंटोनिम। ओके, सारे लोग ए, कुछ लोग बी भी कह रहे हैं, सी भी आंसर आने लगा है। ओके, वन फाइन, वन आंसर दे रहे हैं सारे लोग, मैक्सिमम लोग वन आंसर दे रहे हैं। सर कंसील आंसर आ रहा है इसका। ओके चलिए देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। इमानेट का मतलब होता है निकलना, ठीक है, आविर्भाव होना या फिर कोई भी चीज उत्पन्न होना। तो डिस्चार्ज, इमिट, अराइज और इवॉल्व, ये चारों जो है इमानेट के सिनोनिम है। और कंसील का मतलब होता है दबा करके रख देना, छिपा करके रख देना, सीक्रेटली किसी चीज को रख देना, उसे हम लोग बोल सकते हैं कंसील। तो एंटोनिम की अगर हम बात करें तो इमानेट का राइट आंसर जो हो गया वो ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेशन को, साथ ही साथ वही एमसीक्यू आपके फिर रहेंगे, बहुत सारे एमसीक्यू यहां पर बनते हैं आपके इस पर्टिकुलर और टॉपिक के ऊपर। ट्रेंडिंग टॉपिक है, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। सबको मालूम है गुजरात राज्य में स्थित है, ये हो गया हलवा प्रश्न, लेकिन सबको ये नहीं मालूम है कि वह गुजरात के किस जिले में लोकेटेड है यह पर्टिकुलर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, नवसारी डिस्ट्रिक्ट, भरूच डिस्ट्रिक्ट, भावनगर डिस्ट्रिक्ट, या नॉन ऑफ दी। जल्दी से बताइए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। आंसर आना यहां पर शुरू हो चुके हैं, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल। और फेसबुक की बात करें, शिवम चौधरी ऑप्शन नंबर 1 पर आंसर कर रहे हैं, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड इन विच टाउन ऑफ नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। अभी तक जो बात की थी वो डिस्ट्रिक्ट की थी, जिले की थी, अब जिले के अंदर भाई गांव भी होते हैं, छोटे छोटे कस्बे भी होते हैं, छोटे छोटे शहर भी होते हैं। तो आपको ये बताना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के किस कस्बे में लोकेटेड है। वाडिया टाउन, डेडियापाड़ा टाउन, भरूच टाउन, केवड़िया टाउन या नन ऑफ दीज। आपको बताना है किस कस्बे के अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लोकेटेड है। टाउन अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट हमें मालूम है। राइट आंसर की बात करें, केवड़िया टाउन आंसर भी यहां पर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। यहां पर स्टूडेंट को काफी सारी जानकारी है द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। विच इंडियन स्कल्पचर डिजाइन द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, किस भारतीय मूर्तिकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया। धनराज भगत, सुदर्शन पटनायक, कृष्णा रेड्डी, राम वनजी सुथार और मुथैया सतपति। आपको बताना है डिजाइनर कौन है, किस मूर्तिकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया है। अभिषेक त्रिवेदी ऑप्शन नंबर 1 के साथ है, धनराज भगत ओके, अब्दुल्ला मसूद साहब ऑप्शन नंबर 4 के साथ है, यूट्यूब की बात करें तो सुमित जी ऑप्शन नंबर 4 के साथ हैं और 4 के साथ है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट आंसर कर रहे थे तो मैंने भी उस समय थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। राम वनजी सुतार इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने दिया। नेक्स्ट, फेमस इंडियन स्कल्पचर राम वी सुथार जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया है बिलोंग्स टू विच स्टेट। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि राम वी सुथार साहब किस राज्य से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखिएगा। केरला, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए किस राज्य से संबंधित है राम वी सुथार जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया है। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और जब साउंड नहीं आ रहा था तो मैंने कोई भी चीज आपके लिए डिस्कस नहीं की है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है, हम भी ब्रेक पर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं,
राइट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आंसर आ रहा है, यानी कि महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। एमसीक्यू नंबर 30 आप सभी के लिए ये रहा, विच स्पेशल पर्पज व्हीकल वॉज एस्टेब्लिश बाई द गुजरात गवर्नमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टैच्यू। इस पर्टिकुलर प्रतिमा को बनाने के लिए, स्टैच्यू को बनाने के लिए कौन सी विशेष संस्था या ऑर्गेनाइजेशन को गुजरात सरकार ने बनाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट, गुजरात गवर्नमेंट राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट, अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट, पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट, या नन ऑफ दीज। स्पेशल पर्पज व्हीकल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर 5 के साथ मैक्सिमम स्टूडेंट जा रहे हैं, लेकिन यहां पर मैं बात करूं कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1 आंसर के साथ झड़ी लग गई, देखिए अगर आप देख पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में तो झड़ी लग चुकी है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है, इसमें बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। तो बिल्कुल एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन इंग्लिश ब्रेक इंग्लिश गुरु के साथ। देखिए ये एरर करेक्शन बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ है, ये भी एक एरर करेक्शन है, लेकिन ये जो है अब न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग एरर करेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। अ 3 जजेस बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लेड टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ऑन मंडे ऑर्डर्ड द अयोध्या डिस्प्यूट अपील्स टू बी लिस्ट इन जनवरी 2019 बिफोर एन अप्रोप्रिएट बेंच टू फिक्स अ डेट टू हियरिंग, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन आपको एबीसीडी लिखे हुए हैं और 5 ऑप्शन आपको लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से पार्ट में एरर है। ए एन डी, बी एन सी, ए बी एन सी, ओनली ए, या फिर ए बी सी एन डी, ऑल पार्ट हैव एरर्स। जल्दी से हमें बताइए कि इसमें एरर कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट, ये जो हो चुका, अब ये एरर पे आ जाएं जल्दी से, क्या हो सकता है। ओके, बीएनसी, कुछ लोग कह रहे हैं बीएनसी, कुछ लोग कह रहे हैं 3 सर एबीएनसी, ओके, कुछ लोग नंबर 5 कह रहे हैं एबीसीएनडी, नंबर 4 भी आंसर आ गया ओनली ए, ओके, अविनाश मोहंती नंबर 3 कह रहे हैं एबीएनसी। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या, मैं अभी बताता हूँ। देखिए इसका राइट आंसर जो है वो है नंबर 5 होगा, ठीक है, ये गलत हो गया एक्चुअली, नंबर 5 इज द राइट आंसर, ये नंबर 4 राइट आंसर इसका बिल्कुल ही नहीं है, ये नंबर 5 इसका राइट आंसर होगा, ए बी सी एन डी, ठीक है। देखिए गलती कहाँ है, देखिए सबसे पहला तो हो गया 3 जजेस, तो सर 3 जजेस जो वर्ड उसको थोड़ा सा सर्वे कर दीजिए, 3 जजेस जो लिखा हुआ है वहां पे क्या होगा, अ 3 जज बेंच होगा, ठीक है, पहला क्या होगा, अ 3 जज बेंच, क्लियर। दूसरा जो होगा, दूसरा पार्ट में आपका लिखा हुआ है लेड टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो होगा लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो 2 को भी अंडर आप सर्कल कर दीजिए, लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ऑन मंडे ऑर्डर्ड द अयोध्या डिस्प्यूट अपील्स, तो ए और बी में दोनों में गलत है, ऑर्डर द अयोध्या डिस्प्यूट अपील्स टू बी, अब टू बी आ गया, तो बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो लिस्टेड आ जाएगा, वहां पर लिस्ट जो लिखा हुआ है वहां पर क्या आ जाएगा, टू बी लिस्टेड हो जाएगा वहां पर, ठीक है। तो सी में भी एरर आ गया। 4 में चलते हैं, बिफोर एन अप्रोप्रिएट बेंच टू फिक्स अ डेट, डेट फिक्स करना है उनको किस चीज के लिए, हियरिंग के लिए, सो टू हियरिंग की जगह 4 हियरिंग आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा वहां पे, 4 हियरिंग। तो आप देख सकते हैं ए बी सी एन डी चारों पोर्शन में एरर है, तो नंबर 5 इज द राइट आंसर, ए बी सी एन डी इज द राइट आंसर। ओके, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू सेशन जी का फिर से शुरू करते हैं, बीच बीच में इस तरह के छोटे छोटे ब्रेक बनते हैं और आपकी नॉलेज बीच बीच में चेक भी होती रहती है। एमसीक्यू नंबर 31, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द फर्स्ट डैस ऑफ इंडिया, यानी कि वे भारत के प्रथम थे, क्या थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, नन ऑफ दीज। यहां पर जो आपको आंसर करना है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस करना है, क्योंकि उन्होंने एक साथ दो दो मंत्रालय या दो दो पोस्ट संभाली हुई थी, तो मैंने आपकी यहां पर दोनों पोस्ट नहीं पूछे, मैंने आपसे पूछा है कि या तो वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे पहले, या वो डिफेंस मिनिस्टर थे, या रेलवे या फाइनेंस मिनिस्टर थे, आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर करना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले क्या थे, उप प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, रेलवे मंत्री या वित्त मंत्री। आंसर आ चुके हैं ऑप्शन नंबर 1, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ होम मिनिस्टर भी थे, वो फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे इंडिया के, ये पॉइंट भी आपको याद रखना होगा, फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे भारत के, पहले गृह मंत्री भी थे साथ ही साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होने के साथ। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे, ओके, इज ऑब्जर्व एवरी ईयर अक्रॉस इंडिया ऑन विच डे, भारत में नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन आप सभी के सामने है, अभी अभी ये गुजरा है, ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आप सभी को, तो जल्दी से आंसर कीजिए, आंसर आते भी गए हैं। 31 अक्टूबर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब आप सभी के द्वारा दिया गया है, क्योंकि 31 तारीख को ही उनका जन्म हुआ था, उनकी जन्म यानी उनका बर्थ डेट होता है, लेकिन बर्थ डेट के अलावा ईयर भी आप सभी को याद होना चाहिए, बिकॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज बोर्न ऑन डैश एट करमसंद गुजरात, करमसंद नाम की जगह है गुजरात में, वह किस तारीख और वर्ष को पैदा हुए थे, तारीख तो आपको मालूम है 31 ऑफ अक्टूबर,
ठीक है। अब आप बताइए 1870 होगा, 1872 होगा, 1874 होगा, 75 होगा, या 83 होगा, किस वर्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। आंसर की बात करें, आंसर आते भी जा रहे हैं, 1875 की बात करें, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1875 में 31 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था और इनके जन्मदिन के दिन ही राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कंफर्म विद भारत रत्न, भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किस वर्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आप सभी के लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस वर्ष इन्हें भारत रत्न दिया गया था, आंसर कीजिए। ऑप्शन फोर के साथ जा रहे हैं, 1993 के साथ 19, ओके 111, ओके गाइस यहां पर वन आंसर होगा, ना कि फोर ना कि थ्री, 1991 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था, भारत की रियासतों को एक करने के लिए। नेक्स्ट, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी दैस वॉन दी कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस स्टैच्यू, यानी कि यह जो पर्टिकुलर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, इस पर्टिकुलर स्टैच्यू की जो डिजाइन है, कंस्ट्रक्शन है और मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस भारतीय कंपनी को दिया गया है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, लैंडको इंफ्राटेक लिमिटेड, लार्सन एंड ट्रूबो, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, या नॉन ऑफ दी। जल्दी से बताइए कौन सी कंपनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाएगी, डिजाइन करेगी, मेंटेनेंस भी करेगी, ऑप्शन आप सभी के सामने, किस भारतीय कंपनी का है, जल्दी से बताइए। ओके, लार्सन एंड ट्रूबो के आंसर यहां पर आ चुके हैं, ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर, जितने भी इसने यहां पर आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर 36, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी लोकेटेड इन विच सिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी भारत के किस शहर में स्थित है, मुंबई है, अहमदाबाद है, हैदराबाद है, चेन्नई है और सूरत है, जल्दी से बताइए। स्टैटिक जीके का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई या सूरत, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी, बहुत सारे स्टूडेंट के आंसर आते भी जा रहे हैं एंड राइट आंसर इज हैदराबाद, हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी लोकेटेड है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन विच सिटी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भारत के किस शहर में से, तो बहुत ही आसान सा आंसर है आप सभी के लिए, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई और सूरत, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, यहां पर राइट आंसर की बात करें, अहमदाबाद इज द राइट आंसर, सारे स्टूडेंट यहां पर आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल अहमदाबाद बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। ओके, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन विच सिटी, अहमदाबाद इज द राइट आंसर, गुजरात आपका स्टेट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल डाइड ऑन विच ऑफ द फॉरेन प्लेस, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म की बात कर ली, उनकी मृत्यु की भी बात कर ले, तो उनका निधन किस तारीख को हुआ था, माफी चाहूंगा किस जगह पर हुआ था, ये क्वेश्चन है। अहमदाबाद है, मुंबई है, न्यू दिल्ली है, चेन्नई है या सूरत है, तो राइट आंसर की बात करें, एक लंबी बीमारी के चलते उनका जो निधन हुआ था वो अहमदाबाद में नहीं, बल्कि ये अहमदाबाद यहां पर रॉन्ग होगा, मुंबई के बिरला हाउस में उनका निधन हुआ था, मुंबई के बिरला हाउस में उनका निधन हुआ था, ये बात आपको याद रखें। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल मेमोरियल इज इन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति के लिए जो नेशनल मेमोरियल बनाया गया है वो भारत के किस शहर में बनाया गया है, आंसर करते जाइए, आंसर क्या होना चाहिए, राइट आंसर इज अहमदाबाद। अगर एमसीक्यू पसंद आ रहे हैं, एमसीक्यू बहुत ही बढ़िया और मजा आ रहा है, तो एक बार यस कहकर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक करते जाइएगा सेशन को भी। 40 नंबर एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल पर बेस्ड है, वो ये है, व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्टेड इन द एनेक्स हैदराबाद इनटू द इंडियन यूनियन या इंडिया यूनियन। आपने एडिटोरियल में डिस्कशन ये किया ही था, एडिटोरियल में मैंने आपको बताया था कि हैदराबाद को भी भारतीय संघ में मिलाया गया था, उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन निजाम, डायमंड, पोलो, ब्लू स्टार या विजय। एडिटोरियल पर बेस ये क्वेश्चन है, जो आखिरी क्वेश्चन है इस आर्टिकल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल पर आधारित। तो राइट आंसर की बात करें, ऑपरेशन पोलो इज द राइट आंसर, ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाया गया था। जो लास्ट एडिटोरियल हमने जो रखा हुआ है वो है ऑलवेज अ फाइन बैलेंस, ये आर्टिकल हमने अभी एक ही दिन पहले डिस्कस किया था, ये भी आरबीआई पर सर बेस्ड आर्टिकल था, तो बिल्कुल इस पर बेस्ड भी एमसीक्यू देख लेते हैं आपके लिए काम के क्या हो सकते हैं। पहला, यहां पर मैंने दो बुक्स आप सभी के लिए रखी हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। पहली बुक का नाम है आई डू व्हाट आई डू, तो इसके राइटर कौन थे, रघुराम गोविंद राजन, डी सुब्बा राव, वाई बी रेड्डी, सी रंगराजन या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए किस गवर्नर ने यह किताब लिखी है आई डू व्हाट आई डू, तो ये हमने आर्टिकल में भी डिस्कस की थी सर ये पर्टिकुलर बुक। तो राइट आंसर की बात करें, भारत के पूर्व गवर्नर डॉक्टर रघुराम गोविंद राजन के द्वारा यह पर्टिकुलर किताब लिखी गई थी। और आखिरी क्वेश्चन की अगर बात करें सेशन की, तो द बुक
एडवाइस एंड डिसेंट माई लाइफ इन पब्लिक सर्विस इज रिटन बाई ऑप्शन आप सभी के सामने। ये किताब भी पिछले एडिटोरियल में डिस्कस हुई थी, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। 42 प्लस आपके एमसीक्यू हो जाएंगे जीए के सेशन से, और करीब करीब सर ने आपको 8 एमसीक्यू प्रोवाइड कराए हैं इंग्लिश के सेशन से, तो लगभग आपके 50 एमसीक्यू का जो ये सेशन है वो कंप्लीट होता है। ओके गाइज, जल्दी से आंसर कर दीजिए सेशन के दौरान क्वेश्चंस, स्टैटिक क्वेश्चंस, एमसीक्यू, और सर के द्वारा जो इंग्लिश एमसीक्यू प्रोवाइड किए गए हो, मजा आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो एक बार यस करके जरूर बताइए। आप सभी का रिस्पॉन्स के लिए हम यहां पर वेट कर रहे हैं। जल्दी से बताइए मजा आया या नहीं, क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे जो भी दिवाली के बाद होगा उसमें भी हम लोग ये सेशन लेकर आएंगे। अगर आपको पसंद आएगा तभी तो हम ये सेशन लेकर आएंगे, तो अपना अगर आपको पसंद आया तो एक बार जरूर बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर बिल्कुल मजा आया, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो जल्दी से बताइए। वाई वी रेड्डी के साथ काफी स्टूडेंट जा रहे हैं, तो बिल्कुल वाई वी रेड्डी या वे रेड्डी साहब जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे, उनकी एक किताब रहेगी एडवाइस एंड डिसेंट, और आई डू व्हाट आई डू रघुराम गोविंद राजन साहब की बुक हो जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट, लगभग सब 800 के आसपास स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और फेसबुक की बात करें सर तो करीब करीब 60 प्लस स्टूडेंट हमारे साथ फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, तो उन सभी से आग्रह है आज का अगर सेशन पसंद आया हो तो एक बार हमें रिप्लाई जरूर करें। चलिए, नाउ वी हैव कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। अब हम लोग बिल्कुल इस सेशन के एंड में आ चुके हैं, तो बस आज इतना ही। लेकिन मुझे तो ये जो एक कॉन्सेप्ट, ये जो इनिशिएटिव, वो काफी अच्छा लगा, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे बिल्कुल सारी के सारी इन्फॉर्मेशन, एडिटोरियल, सब कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं, और बिल्कुल सैटरडे उस पर्टिकुलर वीक के जितने भी इन्फॉर्मेशन है उनका एक एमसीक्यू के फॉर्म में एक रिविजन हो जाना, इट इज अ वंडरफुल इनिशिएटिव। ठीक है, अगर आपको भी ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिएगा इस सेशन को, और उसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। तब तक बहुत अच्छे से रहिए। थैंक यू वेरी मच।